बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अल्लाह तआला खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ तो दूर रखे। इसी दुआ नाल आज दी वीडियो शुरू कर दी। शुरू करने से पहले छोटी जी रिक्वेस्ट कर दी, अच्छा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सबसक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो कि साड़ी हर वीडियो तेरती बावकत पहुँचती रहे। आज दी वीडियो कुछ इस तरह, भाई फीस का फोन आया सीगा, कहिंदे सी तुसीं मैथी इकबाल दे टीके जिहड़े आ तुसीं भी इंजैक्शन ये तुसीं लवा के देखो एक बारी भी ये ना बाजी तेन बहुत ज़्यादा फर्क पै जाना वा। तो हूँ मैं तो ऐशा देबू चले हाँ जरा कि बाजार में, चलो मैं एक दो लवा के देख दी, जे तो मैं लगी तो उन्होंने फर्क पिया तो फिर मैं होर भी दूसरा लवाऊंगी, तो जे मैं ना फर्क पिया तो फिर मैं किसी अच्छे डॉक्टर चैकअप करा अपना कराऊंगी। तो अगर भी बड़े डॉक्टर को मैं चैकअप करा हटी हाँ, अल्लाह पाक आराम देने वाला वा, तो घर से कोई कमी नहीं, वो जो चाहे वह कर सकता वा, वो हुक्म तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हूँ मैं तैयार हो गई हाँ, तो ऐशा देबू भी हूँ आ गए घर, कि मेरे भैन भाइयों डेली का पता भी जोड़ा वो कम करते अपना कम करके हूँ वापस आ गए घर। तो मैं काफ़ी दिन दियाँ अगले ब्लॉग भी मैं दिखाइया सगिया मिर्चा भैन वास्ते है ना, भी मैं वाश करके तो रखी हुई सुकिया पी बिल्कुल तेन कर दी मिर्चा भी जड़िया भी हांडी पाने वाली खत्म हुई सगिया, वो भी हूँ मैं छापर का बड़ा है नहीं सगा, तो दुपट्टे के साफ जाया कि दुपट्टा वो बन के रख के आई हूँ, तो वह मिर्चा भी नाल लैके जाऊँगी, तो वह भी प्या के लिया चक्की तो लैके जावे प्या के लियावे, क्योंकि मिर्चा जड़िया खत्म हुई वो, तो फिर शाम का खाना जरा किस शायद बनाना वा, इदा उ पिया दे जावे तो साढ़े आमद भाई पीस दूगा। मैं जाके इंजैक्शन जरा लवाऊंगी लैके, सब तो पहले मैं मेडिकल स्टोर तो जाके लवेंगे अपने टीके लवेंगे उन्होंने को लाने उतो लैके, तो फिर मैं वो लवाऊंगी। तो हूँ मैं तो ऐशा देबू जा रहे हैं बाजार, भैन आपदा भी इतने करे आप भैन आपदा भी मेरे नाल ही जाए, काम काफ़ी आ जे करने वाले आ, तो वह भी नाल दिखावे लियावे, वह भी मैं अपने भैन भाइयों जरूर दिखाऊंगी। तो अल्लाह पाक मेरे भैन भाइयों तंदुरुस्ती दे, मेरे तरह सेहत दे, मेरे तरह बीमारों को शिफा दे, आमीन सुमामीन। तो आप बाहर इधरली सैड से इधरली तरफ से लगी हुई आ मशीन, क्योंकि बाजरा जिमीदार ने उपरों डुंगया हो बाजरा रखा हुआ सी, आवाज आ रही है तो बाजरा नाल बैक मशीन लगी हुई है तो आवाज़ आन रही है, मेरे भैन भाई महसूस ना कर किस शायद ही भी आ गूंगू की आवाज़ आ रही है। तो हूँ तैयार हो गए रेडी हो गए, तो हूँ चले दुपट्टे के हम बनी हूँ मिर्चा, तो मिर्चा इस वास्ते बन ली मैं चलो उत्थे फिर छापर लैके तो पी के छापर पा देंगे, चलो दुपट्टा एक धो लूँगा धो लाँगे, तो दुपट्टे बन ली हूँ, तो हूँ मैं लैके चली हाँ जाके तो प्या के लैके आने फिर पैदल तुर के जान डी सगिया। तो उजमा बेटी का फिर फोन आ गया भी साई जरा शाहदा भाई वो मोटरसाइकिल लैके आन डाया वा, तो मैं हूँ जाके रुक जाओ तो तुम तुर के जा थक जाऊंगी, तो फिर मैं इतने रुक गई सी, तो हूँ हौली हौली तुरद आपका चक लिया हाँ जी उन्होंने चिक हौली हौली तुरद गांह, चलो उन्होंने चिकर ना भी आ जाएंगे साढ़े मगर, तो रुक्शे जड़े ना रोड तो जाके लभ जाते उदा रोड तो लभ जाते हैं, तो इतने कोलों भी जो सा मोटरसाइकिल चलान बेटा तो फिर नहाने काम से भी जाना हों वा, तो काम से लैके जाते हैं, तो इस वास्ते फिर मैं ना मैं चलो पैदल भी तुर के चल जानी हूँ, फिर नहीं तुर हूँ पैदल तुर पैदल पैदल तुर ही नहीं हूँ लिया फिर मेरे को, तो आ माशाल्लाह देखो भी सब्जी कितनी सोहनी लाई हुई है साड़ी जी घर जी लगी लगी आए देखो माशाल्लाह, और परले पासे हैगा वा फालसे के बूटे फालसे के बूटे इस तरफ भी है माशाल्लाह, ऐ वह देसी देसी कपाह लाई हुई नाल नाल फुल वगैरह इदा देसी कपाह इदा सारे लाए हुए, तो ये देखो ये उपर अनारा दे गुथलियां चाड़िया हुई भी पक चले भी कोई जानवर वगैरह ना खावे इस वास्ते गुथलियां उपर चाड़िया हुई रवां दी फलियां माशाल्लाह हजे लगिया हुई, तो पालक किड़गिड़ी बड़ी हुई हुई है, है गुम्मी गुम्मी तरेख है ना आप हाँ गुम्मी तरेख हाँ जी, बाजरा उत्तर मशीन लगी हुई सी तो आफी काफ़ी बाजरा जड़ा ना जिमीदार हाँ भी अभी पकाव बीजा हजे पछेता थोड़ा जहा हूँ सर्दी भी आ गई है, देखो आ स्मोक जी हल्की हल्की जी आने लग पी है सर्दी की आ, देखो असं इंतजार में इतने बैठ गई हूँ पैदल ना ही मेरे को नहीं तुर हो गया है,
शुक्रिया शाहद बेटे का जिन्हें मोटरसाइकिल उतो पिंड चो भेज दिता साढ़े वास्ते। तो हूँ साजद बेटा लैके आन दिया वा वह मेरे भाई का घर सामने, तो मैं अपने भाई दे घर दे सामने बैठी हाँ। इतने जी बाजारों असी होके आ गए, तो मिर्चा जड़िया वो मैं चक्की तो जाती पीसणिया दे गई सी, मुड़ के वापस आए जो कहते असं हम नमाज पढ़न चल गए थे, तो यह जो नहीं पीसिया है, मैं चलो अच्छा कोई गल नहीं, नमाज तो नहीं कजा हुई हैगी, मिर्चा चलो अज ना पीस पीसणगियाँ सुबह पी दी वो वक् बुखार आ, तो उन्हें पर्ची दे दी बना के छोटी जी, तो मिर्चा जड़िया हूँ पी देंगे सुबह जाके, तो फिर वो ले आएंगे मिर्चा, तो पर्ची तो हैगी कोल, पर्ची जाके दिखावे पर्ची तो मिर्चा दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ मेरे भैन भरावां ते बाजी सौदा लैके आई है समान, तो बाजी कहती आ जाओ मेरे को, मैं भी ब्लॉक नाल बना बैठ गई बाजी दे, मैं हांडी वगैरह बना के तो आई सी अंदर, तो चलो देखा देखते बाजी की लैके आई है, लैके की आना बस थोड़ा जा राशन जो लैके आई है, तो ऐ मैथी इकबाल के टीके जड़े भी इंजैक्शन जेडे भाई फीजुला ने लिखा के दिते, तो एक इंजैक्शन जोड़े ये होर आ, तो फिर वो नहीं मिलया है, वो उसे डॉक्टर को मिले से, मैं जो फिर एक दिन छड़ के एक दिन लवाना वा, तो मैथी इकबाल के टीके जड़े फिर असी कट्ठे अपने घर ही लैंदे, तो ये एक जरा इंजैक्शन वो फिर उत्थे लवा लिया करा नाल मिक्स करके, तो ये लैके आते सके, तो भाई फीसला कहें तुम ये भाई लवा के देखो भी अलग किता बहुत ज़्यादा तेन फर्क पेगा, तो फिर मैं अज इसलिए जरा इंजैक्शन लवा के आई हाँ, तो मेरे भैन भाई दुआ करना अल्लाह पाक मैनू आराम दे दे तंदुरुस्ती और सेहत दे दे आमीन समान, तो होर घर का राशन वगैरह थोड़ा जहा लैके आई हूँ, यह लैके आई हाँ भुजे हुए चने, ये चने भी मैंने किसी ने दसिया सीगा भी चने भी तुम इसी ना भी ये भुजे हुए चने जड़े ना ये भी तुम खाओ। हाँ जी बाजी ये भी बहुत अच्छे होंगे आ, देखो मैं इतने रख दी हाँ, तो मैं अपने भैन भाइय ने यही दिखाई हाँ, कहते सी भुजे हुए चने जड़े ना ये भी, मरियम बेटी भी आ गई हांडी तैयार कर रही है, टमाटर मिर्च लैना हां सब्जी हम लेके आई हाँ, लै लो हरिया मिर्चा भी लै लो टमाटर भी लै लो, ए देखो ए है वा भी ये हैगी मिठी सौंफ, मिठी सौंफ क्योंकि आप शादी वगैरह शादी विह तो आप भी इस्तेमाल करी दी आ थैलियां दे विच, ये मिठी सौंफ है ये नाल चलियां दे विच मिक्स करनी आ, ये कहंदे मतलब इन्हें पीसनी आ। हाँ जी हाँ जी, अद्धा किलो चने लैके आई हां, अद्धा किलो आ लैके आई हां, लैके आई हां बादाम, बाजी हर चीज कुटोगे तो वैसे ही मिक्स करनी है, बादाम जेड़े 500 दे पाइया सीगे, 500 रुपए दे पाइया सीगे, फिर मेरे को पैसे कम सीगे, फिर मैं ना 100 रुपए दे बादाम लाए, मैं चलो बच्चे ना मिक्स कर लूंगी, फिर 100 रुपए दे बादाम लाए, बादाम उन्होंने 100 रुपए थोड़े जे देते, चल अच्छा शुक्र अल्लाह का, बाकी लगे देखो पीसा हुआ धनिया सुक्का दड़ा मिर्च गरम मसाला, गरम मसाला लैके आए नाल, ते नाल लैके आए हैं दो घर दे भी ताले, ताले तो उदम हैगे सीगे काफ़ी सारे उत्थे पिंड मामू दे जिहड़ा आटा दे के आए हैं उहदे विच लगे हुए है, तो मामू कहा सी मैं कहा भी ताले दे दो, ते उह कहिंदा सी बेटा मैं लै आऊंगा ते फिर मैं तुहानूं दे दूंगा ताले, फिर अच्छा ते बाद मैं नाल गया सी ते दो ताले फिर इन्हां घर लै आए हैं, लाजमी चाय क्योंकि सर्दी थोड़ी थोड़ी आ गई है, चाय सब नूं पसंद आ, सर्दी थोड़ी जी ज्यादा चाय इस्तेमाल होंगी, लैके आई ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2 ਕਿਲੋ ਘੇ, ਘੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਬਣ ਬਰਤਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਪੜ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਗੀ ਚੀਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਟਮਾਟਰ
अदरक ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਜ਼ਮਾ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆ ਤੋਂ ਦਿਆ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਲ ਭੈੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਮਸਾਏ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈੱਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਰਸਤੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਹਮਸਾਇਆ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਾ